भारतीय बल्लेबाजों के जबरदस्त प्रदर्शन से पिछले एक साल में पांचवीं बार टीम इंडिया का स्कोर 600 के पार क्या पहुंचा। गेंदबाजों की बांछें खिल गईं। भारतीय गेंदबाजों ने इस बड़े स्कोर के दबाव में श्रीलंकाई बल्लेबाजों को ऐसा दबाया कि गुरुवार को सीरीज के पहले टेस्ट के दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक श्रीलंका ने अपने 5 विकेट सिर्फ 154 रन पर खो दिए थे। इससे पहले भारत ने दूसरे दिन चेतेश्वर पुजारा 153 के जल्दी आउट होने के बावजूद अनिश जुकिया रहाणे 57 और पदार्पण टेस्ट खेल रहे हार्दिक पांड्या 50 के अर्धशतकों तथा अश्विन के 47 रन की बदौलत अपनी पहली पारी में सभी विकेट खोकर 600 रन बनाए थे। श्रीलंका के लिए नुवान प्रदीप ने 132 रन देकर 6 विकेट चटकाए। श्रीलंका अभी भारत के स्कोर से 446 रन पीछे है, जबकि उसके 5 विकेट बाकी हैं। श्रीलंका के लिए उपुल थरंगा ने 64 रन बनाए, जबकि पूर्व कप्तान एंजेलो मैथ्यूज 54 रन और दिलरुवान परेरा 6 रन बनाकर पर थे। श्रीलंका पर फॉलो ऑन का खतरा है। भारतीय गेंदबाजों में मोहम्मद शमी ने 30 रन पर 2, उमेश यादव ने 50 रन पर 1 और अश्विन ने 48 रन पर 1 विकेट लिया है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हम रोजाना क्रिकेट की ताज़ा खबरें लाते हैं। धन्यवाद।